भोटा व्यापार मंडल ने चीनी सामान के बहिष्कार के संदर्भ में आक्रोश रैली निकाली। ये रैली व्यापार मंडल के प्रधान सनी शर्मा के नेतृत्व में निकाली गई। रैली में चीन विरोधी नारे लगाए गए। आक्रोश रैली के माध्यम से लोगों को चीन के सामान का बहिष्कार करने के लिए जागरूक किया गया। जिला हमीरपुर के तहत भोटा व्यापार मंडल ने चीनी सामान के बहिष्कार के संदर्भ में रैली निकाली। पिछले दिनों चीन भारत बॉर्डर पर झड़प होने के कारण जिला हमीरपुर का जवान अंकुश ठाकुर शहीद हो गया था। व्यापार मंडल ने रैली के माध्यम से शहीद अंकुश ठाकुर को याद किया और शहीद अंकुश ठाकुर जिंदाबाद के नारे लगाए। भोटा पुलिस सहायता कक्ष से लेकर बस स्टैंड तक रैली का आयोजन किया गया। भारत सरकार ने जो पिछले कल 58 ऐप बंद किए हैं वो देशहित में है। देश की सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य बनता है कि इन ऐपों को बंद करें और चीनी माल का बहिष्कार करें। लेकिन जो सामान वो खरीद चुके हैं कृपया उनको ना तोड़ें, वो अपना ही नुकसान है। लेकिन आइंदा के लिए ध्यान रखें कि जो भी चीन का बना हुआ माल है उसको ना खरीदें और ना ही उसका प्रयोग करें। आज जो भोटा बाजार में रैली निकाली गई वो चाइना के सामान का बहिष्कार के लिए, क्योंकि चाइना का आज तक कार्ड है, हमारे से पैसे कमाता है दुकानदारी में और हमारे ही ऊपर लड़ने के लिए खर्च करता है। इसके सभी लोगों से आह्वान है कि चाइना के सामान का बायकॉट करें। भारत की फौज महान है, हमारी आर्मी, और ये जो चाइना का सामान बिकता है जगह जगह और चाइना का ज़्यादा माल बेचे, इसको बाहर निकालो और चाइना वालों को यहाँ से मतलब बाहर दूर भगाओ और इस सामान का बहिष्कार करते हैं। और जो भी हमारी फौज है और ये जो अंकुश कुमार ठाकुर फौज के दौरान मारे गए, इनको भी सलाम करते हैं हम सारे भोटा बाजार की तरफ से। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, हमीरपुर।